वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। तो ये मोशन की क्लास टू है, ये मोशन की एनसीईआरटी क्लास टू है, क्लास टू। और जिसने क्लास वन नहीं देखी और उसे साइंस में केवीएस पीआरटी में पूरे मार्क्स चाहिए तो क्लास वन जरूर देखे, और क्लास टू और इसके बाद क्लास थ्री, तीन क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ग्राफ के क्वेश्चन जो आप बार बार कह रहे हो मोशन चैप्टर के, उसका भी पीडीएफ बन चुका है, सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है ना, विदाउट एनी कॉस्ट। कॉस्ट इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, वो भी सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। चलो छोड़ो। अच्छा, तो हम लास्ट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ चुके थे और सारे क्वेश्चन करा चुके थे, ठीक है ना। अब आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, सबसे पहली बात तो हम समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। देखो, मान लो आप पहले 10 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें और अगले 10 सेकेंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये दोनों टाइम सेम थे तो इनके लिए डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। ऐसा जब भी होगा तो उस तरह के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखते हैं। और ऐसा नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में मूव कर रहा है। इट ट्रेवल्स 5 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में वो 5 मीटर मूव करा, एंड 5 मोर मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में फिर 5 मीटर मूव करा, तो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल कर रहा है, तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? ओके, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, एक्चुअल में ना, देखो हम लोगों के लिए तो ये जो ग्राफ वाली चीज आप कहते हो, ग्राफ के क्वेश्चन या ग्राफ के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या सीखो, हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम इसके निचोड़ को पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, यानी यहां मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मान क्या लो यही होता है, यहां होता है 1 2 3, यहां भी ऐसा 1 2 3 4, सो ऑन। अगर एक्स में 1 हो वाई में 1 हो, ये रहा। एक्स में 2 हो वाई में 2 हो, ये रहा। एक्स में 3 हो वाई में 3 हो, ये रहा। आपने क्या देखा? यहां पे एक बढ़ रहा है, यहां पे भी एक बढ़ रहा है, यहां पे एक बढ़ रहा है, यहां पे भी एक बढ़ रहा है, यहां पे एक बढ़ रहा है, यहां पे भी एक बढ़ रहा है। अगर ये दोनों जगह सेम सेम इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना, तो इसी ग्राफ को यूनिफॉर्म ग्राफ कहते हैं। इसी से आप रिलेट कर लो, अगर यही टाइम का और डिस्टेंस का ग्राफ हो और सीधा जा रहा हो, बिल्कुल सीधा, यानी कि जितना टाइम हो उतनी डिस्टेंस, जितना टाइम बढ़ा उतनी डिस्टेंस बढ़े, तो इस तरह के मोशन को आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से कई बार आ रखा है, किस तरीके से, कि आपको एक ग्राफ ये दिया टाइम और डिस्टेंस का, ये एक ग्राफ दिया टाइम ऑफ डिस्टेंस का, ये एक ग्राफ दिया टाइम और डिस्टेंस का, ये, और पूछेगा कौन सा यूनिफॉर्म ग्राफ है या कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको समझ जाना है कि यूनिफॉर्म मोशन ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें, इसमें डिस्टेंस और टाइम, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही टाइम बढ़ेगा, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ये किससे सीखा? ग्राफ वाले टॉपिक से, ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो उस तरह के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब आपके पास एक टर्म आई स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हिंदी में कहते हैं चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे समय, उसे कह दिया वेलोसिटी, ठीक है ना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब एक टर्म आती है एवरेज स्पीड और एक टर्म आएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। ये इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, और अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो मैथ में भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एवरेज से, और साइंस में तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आप गलत करोगे ही नहीं, ठीक है ना। चलो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर। अब देखो, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने यहां पे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, जो बस
क्योंकि यहां पे कंसेप्ट कैरी नहीं कर रहा है, वो इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि हम वर्बली कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज याद रखना, स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट एक तो होती है किलोमीटर पर आवर और एक होती है मीटर पर सेकेंड। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इस तरफ आना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहां से आया ये भी बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 मीटर, और आवर को सेकंड में करने के लिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो आ गया 5/18। यानी कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा कर दो एंड वाइस वर्सा, और उल्टा कर दो अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हो। अच्छा एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 16 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हिंदी में औसत वेग या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी, 16 16 32, कुल समय कितना हो गया 4 और 2 6। इसे कर दोगे सॉल्व, आपको आंसर आ जाएगा 16/3 आंसर। अब ये मीटर में और सेकंड में दिया है तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 16/3, 3 × 15.33। ठीक है, अब याद रखना, पहले तो मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो जैसे आपने कहा कि सर मैं 60 की स्पीड से आया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है तो आप ये बताओगे, लेकिन जब भी वेलोसिटी बताओगे, तो जैसे आपने कहा सर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आया था, लेकिन आपको मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, समझ आया। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन मैंडेटरी होगा वरना वो गलत होगा, ठीक है ना। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर स्पीड के पास डायरेक्शन हो जाए तो उसी चीज को वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी कुछ नहीं होता, स्पीड ही होता है, बस उसमें डायरेक्शन दिया होता है, ठीक है ना। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यू प्लस वी बाय टू। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, V होता है फाइनल वेलोसिटी बाय टू। जैसे कि मैथमेटिक्स में निकालते हैं एवरेज, दो नंबर दिए हैं ए और बी, इनका जब भी एवरेज पूछता है तो हम लिखते हैं ए प्लस बी बाय टू। मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर भी एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा किससे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाले टॉपिक से। ठीक है, यही तो कारीगरी है। देखो कारीगरी का मतलब है कंसेप्ट की गहराई, कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या कह रहा हूं मैं लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इतने टॉपिक से हम कर देंगे, इतने टॉपिक से मतलब ये वाले फॉर्मूले से हम क्वेश्चन कर देंगे, और देखो इसका प्रूफ दिखाता हूं, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल जरूरी है आपके लिए। देखो प्राइमरली अगर प्रीवियस वाले पेपर को फॉलो करा जाए तो आपके लिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से ज्यादा स्टैंडर्ड आएगा नहीं। एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड है फिजिक्स में, इससे ज्यादा केवीएस पीआरटी में न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। मैं तो कम से कम 10 सालों से पढ़ा रहा था, ठीक है ना, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन एडवांसमेंट के लिए हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जिसने एनसीईआरटी के, देखो करना दो तरीके से होता है, एक तो होता है बस कर देना और एक होता है समझ के करना। जो समझ के करेगा उसके लिए एनसीईआरटी सफिशियंट है। क्वेश्चन नंबर 8.3, ऊषा स्विम 90 मीटर लॉन्ग, ये 90 मीटर लॉन्ग कोई पूल है, ठीक है ना। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मीटर बाय स्विमिंग अंडर, ओके, वो इधर से इधर जाती है
और फिर वापस भी आ जाती है, तो 90 90 180 मीटर, और कितना समय लेती है, 1 मिनट, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड और पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, टोटल टाइम कितना हो गया 1 मिनट को कह दिया 60 मिनट, 1 मिनट का 60 सेकेंड, सॉरी, तो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। आते एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो आप यहां से शुरू करी वो और वापस यहीं आ गई, और जो लास्ट क्लास जिसने देखी उसे पता था कि अगर अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। तो बस आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई और नीचे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर आ गया जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया, जीरो, ठीक है ना। इसे तो पेन से करना भी नहीं है, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप भी इतना स्पीड कर लोगे। अब आता रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, देखो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। रेट चेंज का मतलब होता है उस चीज को डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। देखो ये तो याद रखना, मानो आपने मेरा ये वीडियो देखना शुरू किया 6:30 बजे, ठीक है ना, और आपने इसे बंद किया 7 बजे या जितने टाइम भी, तो आपको लगा आपने आधे घंटे देखा, लेकिन एक्चुअल में आपने ना आधे घंटे वीडियो, आपको तो लग रहा है टाइम इक्वल टू 30 मिनट्स, लेकिन एक्चुअल में ये है चेंज इन टाइम, क्योंकि आपने कहीं से स्टार्ट करा और कहीं खत्म करा। तो बस मानो आपकी वेलोसिटी है इस समय 30 और इस पॉइंट पे हो गई वेलोसिटी 60 और इसको होने में लगा 2 मिनट, तो मैं इस वेलोसिटी के चेंज को, इस वेलोसिटी के चेंज को इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 15 की वेलोसिटी चेंज हुई पर मिनट के हिसाब से। 1 मिनट में आप इतनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, तो वेलोसिटी के चेंज को अगर टाइम से डिवाइड करोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, इसी चीज को कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेलरेशन से बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और मजेदार होते हैं, ठीक है ना। चलो इस आर्टिकल को पढ़ा देता हूं लाइन टू लाइन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, यहां से एक एमसीक्यू का डाटा मिल गया, यूनिफॉर्म मोशन है तो मैंने क्या कहा था, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, जितना डिस्टेंस उतना टाइम, यानी कि अगर डिस्टेंस 10 है और टाइम भी 10 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 1, या स्पीड कितनी होगी, 1, और हर बार ये चीज सेम रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म में तो सेम रहेगा, तो वेलोसिटी हमेशा हर बार 1 रहेगी। यानी कि यहां से हमें एक डाटा मिल गया कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड इज कांस्टेंट। अब सुनते रहे ना, ये अपनी कॉपी में एक डाटा नोट कर लेना, ये अपनी कॉपी में एक डाटा नोट कर लेना और ये बहुत काम का है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी पहले भी 10 थी और वेलोसिटी अब भी 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, जीरो, क्योंकि जो चीज कांस्टेंट होती है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसमें तो चेंज आता ही नहीं है, अगर उसमें चेंज आता ही नहीं है तो उसका चेंज कितना होगा, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन के केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप में से कई लोग सोचते हैं कि हम इसे रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा ना। मान लो आपको ग्राफ दे दिया, एक ग्राफ दे दिया, अब पूछा इनमें से किसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब जिसने सिर्फ ये लाइन याद कर रखी है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो यहां हार जाएगा और फिर वो सोचेगा कि कोई मिल जाए जो उसको ग्राफ का पूरा ज्ञान दे दे,
मतलब मोशन चैप्टर में ग्राफ का पूरा ज्ञान दे दे। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन बनाने वाला तो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो जिसको ये बात पता होगी कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है तो वो समझ जाएगा इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जब मैं ग्राफ के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखना, मैं एक भी प्री डिफाइंड डाटा नहीं कहूंगा। प्री डिफाइंड डाटा मतलब मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं कहूंगा बच्चों इस ग्राफ का एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। दुनिया में दुनिया क्या मार्केट में यही चल रहा है और ये याद करा जा रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर मैं इसके एक्सिस को चेंज कर दूंगा ना तब भी डाटा चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आपको समझना चाहिए। तो पहली चीज यहां से क्या मिली कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, और स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। देखो वैसे तो एक्चुअली दोनों सेम ही चीज होती है, बस एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। इस चीज का आपको ध्यान देना, लेकिन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम होता है। मतलब दोनों बता जिसको रही होती है वो सेम ही चीज होती है, ठीक है ना। तो अब हमने समझना है क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरवल टाइम इज जीरो, हाउएवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज एट फिट टाइम इट हैज डिफरेंट, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि मैं चाहे कितना समझा दूं लेकिन लास्ट में आपको वैसा ही चाहिए होता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन, ए क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू एक्सेलरेशन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल टू एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो अभी जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये बताया था ना, आप सुनते रहना। इससे ये कैसे आया मैं बताता हूं, और आप अगर ढंग से देखोगे तो आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे बताना, आपने 6:30 बजे मेरी वीडियो देखनी शुरू करी और 7 बजे खत्म करी, तो आप ये कहते हो कि सर की वीडियो मैंने डेल्टा टी 30 मिनट देखी, नहीं ना, आप टाइम कहते हो 30 मिनट, क्योंकि टाइम में ना हमेशा टाइम कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वैल्यू होती है और कुछ ना कुछ फाइनल वैल्यू होती है। तो टाइम, अगर मैंने कहा कि मैंने 4 घंटे आपको पढ़ाया तो वो 4 घंटे भी डेल्टा टी है, 4 घंटे भी डेल्टा टी है। तो टाइम हमेशा डेल्टा में ही चलता है, इसलिए उसको मेंशन करो ना करो वो होता ही वही है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, वो होता ही वही है, ठीक है ना। चलो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो डेल्टा टी की जगह मैं टी लिख सकता हूं, क्यों लिखा समझ आया। चलो डेल्टा में मान लो आपका वजन था 60 और अब हो गया 70, तो मैं पूछूं कितने का चेंज आया, तो आप कहोगे सर 10 का चेंज आ गया। अगर आपका वजन 60 था और अब हो गया 50 और मैं पूछूं कितने का चेंज आ गया, तो आप कहोगे सर 10 का चेंज आ गया। लेकिन आपको पता हैरानी होगी, हर बार हम फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं, हर बार हम फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 10 और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इस बार आपका वेट डिक्रीज हुआ, और प्लस इंडिकेट कर रहा है कि आपका वेट इंक्रीज हुआ। अब देखने वाले पता क्या सोचते हैं कि 60 में से 50 घटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब भी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को ये लोग यू से रिप्रेजेंट, सॉरी V से रिप्रेजेंट करता है और इनिशियल वेलोसिटी को U से। तो फॉर्मूला बन गया V माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, समझ आया। चलो अब इसकी यूनिट की बात आती है, यूनिट सिंपल है, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे यही आ जाओ, आपका वजन 60 से 70 हो गया, कितना बढ़ गया 10। अगर वजन किलोग्राम में होता है तो यह भी किसमें आएगा, किलोग्राम में, यानी कि वजन का चेंज भी किलोग्राम में होगा, क्योंकि वजन किसमें होता है, किलोग्राम में। वेलोसिटी का चेंज भी किसमें होगा, मीटर सेकंड माइनस वन में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मीटर सेकंड माइनस वन में होती है। हाँ किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो एमकेएस चलता है। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर के कंपैरेटिवली मीटर पर सेकंड ज्यादा कॉमनली यूज करे जाने वाली यूनिट है, ठीक है ना। और नीचे क्या है बच्चों, टाइम, टाइम का क्या होता है सेकंड, सेकंड की पावर 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, मीटर सेकंड -2।
तो ये यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की, किसकी यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की। अगर आपने ये बनाना सीख लिया, अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो अब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, और अगर बनाना नहीं सीखा तो याद करते रहोगे, हर लेवल पे याद करोगे, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, ठीक है। इस अच्छा ये जो आर्टिकल है ना, जम के पढ़ना है आपने, जो भी ना समझा है उस लाइन का स्क्रीनशॉट करना है और मेरी जीमेल आईडी पे भेजना है, मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। चलो इसके बाद, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन एन स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। समझ आ रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, या तो सिर्फ इंक्रीज या तो सिर्फ डिक्रीज, और लिखा याद रखना, या तो सिर्फ इंक्रीज या तो सिर्फ डिक्रीज, और क्या हिसाब किताब होगा, वही हिसाब किताब होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी और ये टाइम है, तो इसका ग्राफ भी क्या होना चाहिए, सीधा। क्यों? क्योंकि तभी तो टाइम और वेलोसिटी इक्वल आ पाएंगे। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो समझ आया, जिसने यूनिफॉर्म का मतलब वहां समझ लिया ग्राफ में, वो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, वो हर जगह समझ सकता है। लेकिन जो याद करेगा वो हर लेवल पे याद करेगा, यही सारी सच्चाई है। चलो कहां गया न्यूमेरिकल, ये रहा। चलो राहुल, स्टार्ट स्टेशनरी पोजीशन, याद रखना जब भी स्टेशनरी पोजीशन कहे तो यू को जीरो लेते हैं। यू को जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, जब भी क्या हो स्टेशनरी पोजीशन से वो कहे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो इस न्यूमेरिकल को आपको खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद आने वाले ये सारे क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। कल दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर इसका, उसमें मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।